नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश दौरे को लेकर विपक्ष खूब आलोचना करता आया है, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने अमेरिका, रूस जैसे बड़े बड़े देशों से लेकर अफ्रीका के युगांडा जैसे देशों का भी दौरा किया, और जिसका उद्देश्य एक था, दुनिया भर में भारत के कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूती देना। सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलने वाली मोदी सरकार अपना वादा निभाने से भी पीछे नहीं हटती है। ये बात मोदी सरकार ने युगांडा से किया वादा निभाकर दिखा भी दिया। जी हाँ, दरअसल साल 2018 में पीएम मोदी अफ्रीका महाद्वीप के दौरे पर गए थे और इसी दौरान उन्होंने युगांडा की यात्रा भी की थी। आर्थिक रूप से कमजोर युगांडा के दौरे पर गए पीएम मोदी ने वहां की सरकार से वादा किया था कि युगांडा की सेना को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार उन्हें 44 सैन्य वाहन देगी। पीएम मोदी ने ये वादा 2 साल बाद निभा दिया है और युगांडा की सरकार को 44 में से 36 सैन्य वाहन हैंडओवर कर दिए हैं। युगांडा में स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए बताया है, पीएम मोदी ने साल 2018 में युगांडा को 44 सैन्य वाहन देने की घोषणा की थी। उनमें से 36 सैन्य वाहन युगांडा के डिफेंस फोर्स को दे दिए गए हैं। तो सोमालिया और माली जैसे आतंकग्रस्त देशों के पास स्थित युगांडा का भारत के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। खुद पीएम मोदी ने युगांडा दौरे के समय कहा था कि युगांडा से भारत का रिश्ता आज का नहीं है बल्कि शताब्दियों का है। हमारे बीच श्रम का रिश्ता है और शोषण के खिलाफ संघर्ष का रिश्ता है। पीएम मोदी ने तब ये कहा था कि युगांडा विकास के जिस मुकाम पर आज खड़ा है उसकी बुनियाद मजबूत करे युगांडा वासियों के खून पसीने में भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। पीएम मोदी के युगांडा दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और साथ ही साथ पीएम मोदी ने इस पूर्वी अफ्रीकी देश को आर्थिक विकास के लिए 20 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने की भी घोषणा की थी। पीएम मोदी जब भी किसी दौरे पर जाते हैं तो वहां बसे भारतीय समुदाय को जरूर संबोधित करने की कोशिश करते हैं, और युगांडा दौरे पर भी पीएम मोदी ने कंपाला में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया था, और इस दौरान उन्होंने खुद को युगांडा के परिवार का ही एक सदस्य बताया, क्योंकि इस देश में ज्यादातर भारतीय पंजाब और गुजरात से आकर यहाँ बसे हुए हैं। युगांडा की धरती पर हिंदुस्तान से आए हुई 3-3, 4-4 पीढ़ियों ने इस मिट्टी के साथ अपना नाता जोड़ा है, उसे प्यार किया है। साथियों, युगांडा से भारत का रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता शताब्दियों का है। हमारे बीच श्रम का रिश्ता है, शोषण के खिलाफ संघर्ष का रिश्ता है। युगांडा विकास के जिस मुकाम पर आज खड़ा है उसकी बुनियाद मजबूत कर रहे युगांडा वासियों के खून पसीने में भारतीयों के खून पसीने की भी महक है। आप में से अनेक परिवार यहां 3-3, 4-4 पीढ़ियां से रह रहे हैं। मैं यहां मौजूद नौजवानों, युगांडा के नौजवानों को याद दिलाना चाहता हूं, आज जिस ट्रेन में आप सफर करते हैं वो भारत और युगांडा के रिश्तों को भी गति दे रही है। वो कालखंड था जब युगांडा और भारत दोनों को एक ही ताकत ने गुलामी की जंजीरों से जकड़ा था। तब हमारे पूर्वजों को भारत से यहां लाया गया था, बंदूक और कोड़े के दम पर उन्हें रेलवे लाइन बिछाने के लिए मजबूर किया गया था। उन मुश्किल परिस्थितियों में उन महान आत्माओं ने
युगांडा के भाई और बहनों के साथ मिलकर संघर्ष किया। युगांडा आजाद हुआ, लेकिन हमारे बहुत से पूर्वजों ने यहीं पर बसने का फैसला कर लिया। जैसे दूध में चीनी घुल जाती है, वैसे भी यहीं हमारे लोग एक हो गए, एक रस हो गए। आज आप सभी युगांडा के विकास, यहां के बिजनेस, कला, खेल, समाज के सभी क्षेत्रों में अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, अपना जीवन खपा रहे हैं। यहां के जिंजा में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन हुआ था। यहां की राजनीति में भी अनेक भारतीयों ने अपना सक्रिय योगदान दिया है और आज भी दे रहे हैं। स्वर्गीय नरेंद्र भाई पटेल स्वतंत्र युगांडा की संसद में पहले नॉन यूरोपियन स्पीकर थे और उनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ था। हालांकि फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब सबको परेशानियां भी झेलनी पड़ी, कई लोगों को देश छोड़कर के भी जाना पड़ा, लेकिन युगांडा की सरकार और युगांडा के लोगों ने उन्हें अपने दिलों से नहीं जाने दिया। मैं विशेष रूप से राष्ट्रपति जी का और युगांडा के जन जन का आज उनके साथ इस साथ के लिए भारतीय समुदाय को जिस प्रकार से फिर से गले लगाया है, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप में से अनेक लोग ऐसे भी हैं जिनका जन्म यहीं पर हुआ है। शायद कुछ लोगों को तो कभी भारत देखने का मौका भी मिला नहीं होगा। कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनको वहां अपनी जड़ों के बारे में, कहां किस राज्य से आए थे, किस गांव या शहर से आए थे, इसकी भी शायद जानकारी नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपने भारत को अपने दिलों में जिंदा रखा है। दिल की एक धड़कन युगांडा के लिए है तो एक भारत के लिए भी है। विश्व के सामने आप लोग ही सही मायने में भारत के राजदूत हैं, भारत के राष्ट्रदूत हैं। थोड़ी देर पहले जब राष्ट्रपति जी के साथ मैं स्टेज पर आ रहा था, तो मैं देख रहा था कि मेरे आने से पहले यहां किस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ये सच में मंत्रमुग्ध करने वाली भारतीयता को अपने जिस प्रकार बनाए रखा है, वो अपने आप में प्रशंसनीय है। अपने पहले के अनुभवों और आज जब यहां आया हूं, तब इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय भाषाओं को, खान पान को, कला और संस्कृति को, अनेकता में एकता, पारिवारिक मूल्यों और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जिस प्रकार से आप जी रहे हैं, वैसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। और इसीलिए तो हर हिंदुस्तानी को आप पर गर्व है, 125 करोड़ देशवासियों को आप पर गर्व है। मैं भी आपका अभिनंदन करता हूं, मैं आपको नमन करता हूं।
साथियों, युगांडा समेत अफ्रीका के तमाम देश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक कारण तो आप जैसे भारतीयों की यहां बहुत बड़ी संख्या में मौजूदगी है, और दूसरा हम सभी ने गुलामी के खिलाफ साझी लड़ाई लड़ी है। तीसरा, हम सभी के सामने विकास की एक समान चुनौतियां हैं। एक दूसरे से सुख दुख को बांटने का हमारा बहुत लंबा इतिहास रहा है। हम सभी ने एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा है। यथाशक्ति एक दूसरे को सहारा भी दिया है, सहायता भी दी है। आज भी हम उसी भावना से मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम युगांडा के साथ मजबूत रक्षा संबंध चाहते हैं। युगांडा की सेनाओं की आवश्यकता के अनुसार भारत में उनकी ट्रेनिंग के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। युगांडा से 1000 से अधिक छात्र इन दिनों भारत में अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, आप में से अधिकतर जब भारत से युगांडा आए थे, तब के भारत और आज के भारत में बहुत बदलाव आ चुका है। आज जिस प्रकार युगांडा अफ्रीका की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसी प्रकार भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है।